क्यों, कितने बजे की घटना है? बड़ी घटना है। चलिए था कि उसके पास निशान पत्थर चमला क्या है? सर उन्होंने चलाया ये पत्थर तो यहाँ आसपास कहीं पे भी ये पत्थर है नहीं। ये सब लेके आए थे पहले से? लेकर आते हैं डंडे सरिये वगैरह सब काम। हाँ वही देख फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट मिलाएंगे वो तो। हाँ बताइए। यही काम है इसी रूम में। हाँ तो सडनली मेरी आँख खुलती है, मेरा जो कुत्ता है वो भौंकता है। मेरी आँख खुलते है, मैं देखता हूँ क्या हुआ। तो एकदम से मैंने देखा तो मेरे रूम में चार लोग, जैसे ही मैं बैठा एकदम से वो मेरे लगा के एकदम से रोड लगा के बोलते हैं कि लेट जाओ सो जाओ वापस से, नहीं तो गोली मार देंगे। मैं ठीक है। उसके बाद में वो पूछते हैं कि कैश वगैरह कहाँ रखा है। मैंने बोले कैश अपन रखते ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कबड़ वबड़ देखी तो मोबाइल वोबाइल उठा लिए मेरे, दूसरी कबड़ देखी। उसके बाद बोलते हैं मुँह ढक ले, फिर वो बाहर चले गए। वो भांजी है उससे गोल्ड की रिंग वगैरह ले ली। उसको पूछते हैं ऊपर कौन है। उसके बाद दो तीन बार वो बोलते हैं कोई नहीं है। जब उसको चाकू लगाया गले पर तो उसने बता दिया मामा मामी हूँ। तो ऊपर गए, फिर वो तो ऊपर गए, जैसे गेट खुला उसके नीचे मेरे को पता लगा क्योंकि आवाज़ करता हुआ थोड़ा सा। तो उसके 10 से 15 मिनट में ही वो आ गया, उनके चिल्लाने की आवाज़। तो जैसे ही उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई मैं तुरंत यहाँ से बाहर भागा। जैसे ही अपन ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने हमको तीनों को, मेरी दी को, जीजू को और मेरे को, मतलब रोड से मारना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही मैंने उनको और उन्होंने ग्रिप में लेने की कोशिश की, उन्होंने जो लोग बाहर थे उन्होंने पथराव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा कितने लोग थे वो टोटल? आई थिंक 5 to 6। हमला किस चीज़ से हुआ? चाकू भी थे, बंदूक भी थी, क्या क्या था? जो मेनली उन्होंने किया वो रोड से किया और पत्थरों से किया। अच्छा चाकू उन्होंने दिखाया जरूर लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। सीसीटीवी वगैरह है लगे हुए हैं? नहीं, यहाँ पे ओमेक्स में है लेकिन काम नहीं करते हैं। दो साल से सिर्फ डिस्प्ले के लिए और किसी चीज़ के लिए। आपका नाम क्या है? विशाल थी। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर। अच्छा डकैती की मामला सामने है, क्या है पूरा मामला? ये घटना हुई है यहाँ पे जो ओमेक्स हिल्स कॉलोनी राजनगर थाना क्षेत्र में। इसमें रात के करीब 1:30 बजे कुछ लोग एंटर हुए घर में, ऐसा परिवार का कहना है जो त्यागी जी का परिवार है। और उसके बाद इनसे उन्होंने रुपए पैसे की मांग की। पीछे एक जो उनका साला है वो जग रहा था तो उससे बात हुई, फिर उसके बाद उस लड़की उससे बात हुई, तो उसके बाद ऊपर गए, ऊपर जो गौरव जी और उनकी वाइफ है उनसे उनकी बात हुई। इन लोगों ने प्रतिरोध किया तो एक को इन्होंने पकड़ भी लिया, तो उसके बाद उसने उन्हें हमला किया तो लॉट रॉटी वगैरह से चोटें आई हैं और उनके सबके इलाज हुए हैं। और कुछ मोबाइल, दो मोबाइल फ़ोन और एक अंगूठी, कुछ रुपये लेके गए हैं। और चूँकि उनको माल नहीं मिला तो इन्होंने इसमें, ये लोग जाग गए थे और इन्होंने उसमें प्रतिरोध करके इवन एक को तो ये बता रहे हैं कि उसको पकड़ भी लिया था इन्होंने, लेकिन चूंकि वो लोगों ने पथराव वगैरह चालू कर दिया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और उसमें भागने का मतलब पत्थर फेंक कर लाभ लेकर भाग गए। और पुलिस ने प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन सारा कर लिया है और उसमें सभी FSL स्क्वाड, फिंगरप्रिंट स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सभी ने इसमें विजिट कर ली है। सीनियर ऑफिसर भी आई, SP सर भी आए थे। अब लगातार पुलिस इसमें वॉच कर रही है, लगातार जो है हमारे इनपुट्स हैं, हमारे जो अन्य स्रोत हैं उनसे हम लोग जानकारी ले रहे हैं और टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे ले रहे हैं। बहुत जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। हमला करने वाले कितने लोग थे, कितने तादाद में? इनका ऐसा कहना है कि वो 3 या 4 लोग एंटर हुए थे और बाकी इनको ऐसा स्पष्ट नहीं है कि बाहर कोई था कि नहीं था, कितने लोग थे। तो अभी बेसिकली 2 या 3 लोगों के हुलिया ये लोग बता पा रहे हैं और बच्ची का ऐसा कहना है कि वो 4 लोग थे अंदर।
कितने लोग हैं इनमें से? तीन लोगों को चोटें आई हैं, दो लोगों को नॉर्मल है, एक जो गौरव है उनको थोड़ी सी चोट है, बाकी स्टेबल और कॉन्शियस डॉक्टर ने बताया। कुछ सीसीटीवी फुटेज हो गए? फुटेज घर के आसपास तो कोई कैमरा लगा नहीं रखा है, लेकिन कॉलोनी में जो अन्य जगह कैमरे लगे हैं उनसे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। थैंक यू सर।